यार जहाँ ये गाड़ियाँ अटकी दल। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप आ चुके हो एक ऑफ रोड ब्लॉग में। एक्चुअली आज ऑफ रोड प्लान नहीं था, बट ध्रुव भाई ने बोला कि नहीं ऑफ रोड करना है, ऑफ रोड करना है, ऑफ रोड करना है। तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल इस बीस्ट में, और आज उस बीस्ट को हमने छुट्टी दी हुई है। और मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो भाई लोग बहुत सारे कमेंट्स आए जिमनी के लिए, और उतने ही कमेंट्स आई थिंक उससे थोड़े से कम स्कॉर्पियो के लिए भी आए। तो स्कॉर्पियो भी ढूंढेंगे, तब तक के लिए आज मतलब जैसे ऑफ रोड ख़त्म हो जाता है इसके बाद से अब हमने गाड़ी ही ढूंढनी है। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, जितनी जल्दी हम वो जो पॉइंट है जो हमने हिट करना है ना, उतनी जल्दी हम जो प्रोसेस है उतना तेज़ कर पाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है, बाकी भाई लोग कर दो यार प्लीज़। भाई अभी जा रहे हैं ऑफ रोड लोकेशन पे, और बाकी ऑफ रोड लोकेशन पे पहुंच के उतरेंगे। इसका एक्चुअली गियर माउंट जो था वो आगे टच होता था यहाँ पे, तो इसलिए हमने वो रिमूव कर लिया, अभी हाथ से ही गियर कर रहे हैं। तो भाई इतने में हमें भाई भी मिल चुके हैं। क्या हाल है भाई? ठीक हो? बढ़िया भाई। मेरे सांस से निकली, मुझे लगा ट्रक गया मेरे आगे से। बड़ी तगड़ी है, लुक नहीं आप। ठीक है भाई, एयर कंप्रेसर भी है पीछे। भाई अभी जानू भाई से रिव्यू करा रहे हैं हम। और भाई साहब अभी चल रहा था रिव्यू गाड़ी का, और इतने में हमारे जेड़ा सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सब जाके ना इनके चैनल को फॉलो करो, मस्त मस्त ऑफ रोडिंग मिलेगी इनको। हमने ऑफ रोडिंग एक दो बार कराई, अब ये खुद ही करने लग गए हैं। तो अकेले अकेले सोलो सोलो ऑफ रोड पे निकल जाते हैं। तो भाई वही आज मस्त मस्त ऑफ रोडिंग करेंगे ना। चलो ठीक है। वैसे मजा ऑफ रोडिंग का आपके साथ ही आता है, क्योंकि मैं जब से ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ तो शोएब भाई के साथ ही कर रहा हूँ, और शोएब भाई के साथ ही करता रहूँगा इंशाल्लाह। चलो भाई यही प्यार है भाई, जो भाइयों का जो मोटिवेट करता है। तो चेक करो गाइस इस आदमी को, जम्मू की मशहूर हस्ती को तो आप जानते ही होंगे। तो हमारे जानू भाई, हमारे दिल के बड़े करीबी दोस्त, और इनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपकी वाली है? हाँ जी, ये गाइस हमारी ZX10R। इसमें अभी हमने डलाया 1.5 लाख रुपए का एग्जॉस्ट, ओरिजिनल एयर होगा। अभी आपको फ्लाई, अगर आप इसी गाड़ी में आए तो मैंने आपको फ्लाई बाय दिया था, आवाज आ रही थी? हाँ बड़ी आवाज आ रही थी। नहीं यार। सो गाइस ये अभी कुछ इसमें भाई रेडिएटर ग्रिल वगैरह लग रही है, उसके बाद ही बाइक हो जाएगी सेक्सी। क्या हो जाएगी? सेक्सी। ये शॉक करनी है अपनी, जब ये जब हम खड्डे में जाते हैं तो कभी कभी स्टीयरिंग हमारा ऐसे हिलता है ना, स्टीयरिंग डैम्पर है ये, इसको कंट्रोल करने के लिए होता है, ये ऑटोमेटिकल सीधी कर देगा। शोएब भाई को बाइकों में बड़ा इंटरेस्ट है, शोएब भाई को हमने बाइकों की लाइन में लाना थोड़ी देर में। मैं बाइकों में आना, बट घर वालों ने माना। आए वो गैंग आपकी यहीं पे? ओ यहीं गाड़ी है छोड़ के? हाँ बिल्ले हैं ये सारे। एडजस्टेबल शॉक है, ब्रेम्बो की ब्रेक्स हैं, दो रोटर्स हैं इसमें, यहाँ से इसका इनटेक है। रेडिएटर भी ना ऐसे सी शेप में है, बाकी भाई लाइट्स इतनी ब्यूटीफुल है, बाकी सही है। हमें यार बाइक्स का कभी उतना पता नहीं था, बट जानू भाई तो आपको पता ही है बाइक्स में स्टंटिंग में नंबर वन ही है। और भाई इतने में हमारे अपने द रेजिंग ध्रुव, हमारे ध्रुव भाई द FBI ड्राइवर एंड द जम्मू डिवीजन हेड। SQV। हेलो ध्रुव भाई, क्या हाल चाल? क्या हाल है, ठीक हो? फर्स्ट क्लास। मजे आ रहे हैं? आया कैप्टन। आया कैप्टन तो आप आज के, आपने चलाना है, हमको लास्ट में विंच भी नहीं है आज हमारे पास। और भाई इतने में हमारे साथ जमील भाई भी आ गए, हमारे न्यू बैलेंस मुंह पे चढ़ा दो। देखना यार बदतमीजी करने लग गए मेरे साथ, सारे कमेंट करो। शादी क्या होगी तो बदतमीजी करोगे? नहीं शादी अभी होने वाली है। चलो बाकी ये भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई क्या नाम है आपका? उस्मान। अच्छा भाई की हाइट बड़ी अच्छी है। जा रहे थे हमें कनव भाई भी आज ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऑफ रोड पे। अच्छा तो भाई कैसा लग रहा है आज, क्या मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन यही है कि गाड़ी का ज्यादा वेयर एंड टेयर ना हो, बाकी सब देखा जाएगा। वेयर एंड टेयर की आपको SQV वो हो जाएगा। इतने में हमारे ये भाई है, हमारे दिल के बड़े करीब भाई हैं, और ये अभी हमसे बड़ा सामान इनको लेना है, और इनकी गाड़ी में आपको दिखाऊंगा अगर द वन एंड ओनली OG थार, उसके पीछे जो दिख रही है वो देख। तो आज इससे भी आपको ऑफ रोड करेंगे, चलते हैं गुलाब भाई की गाड़ी में। ओए 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 ओए, आपको मस्त मस्त रोलिंग शॉट्स भी दिखाते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to.
Don't feel alive and there's nothing that makes me happy. ये सब ये आगे हमारी OG थार पे यार इतने याद है इसमें टायर जो है वो देखो कितने सूट कर रहे हैं मतलब प्रोपोर्शनेट है अगर बस एक स्टेपनी का टायर हो ना तो बहुत अच्छी लगी है तो भाई आज ना हमने ब्लैक थारों की लाइन रखी हुई है सबकी सब ब्लैक थारे गुड गुलाब बाइक की गाड़ी को छोड़ के तो भाई साहब आज फिलहाल हम जाएंगे अपने ओल्ड ट्रैक जहाँ हम जाया करते थे किचकंडी में और क्योंकि आज यार विंच वाली गाड़ी नहीं है ना हमारे पास उसकी विंच ऑपरेशन है तो सही बट रिस्क नहीं लेंगे तभी हम एंटर हो चुके हैं अपनी ऑफ रोड लोकेशन पे तो गुलाब भाई की गाड़ी तो आज अनबीटेबल मॉन्स्टर लग रही है बस ये कि एक गंदी कोई गंदी होगी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारा आ गया लाइनअप बाकी एक गाड़ी जो है वो आगे निकल गई तो उसका वेट कर रहे हैं अभी फिलहाल तो वो आ जाएगी तो फिर यहाँ से हम अपना कॉन्वॉय निकालेंगे अभी हमारी ओजी थार से हम कुछ करतब करके दिखाते हैं मनूवर करना मुश्किल है हाँ मनूवर करना थोड़ा टफ है बट बाकी आसान है ये देखना आप बिल्कुल बनी हुआ ना
यहाँ से अभी अभी हम टैंक लेके आए और यहाँ से सारी थार आ गई अपनी, और वो अटक गई पहली थार आज की, अटक गई। बाकी रोक के रखो, दो थार फंस गई और। तो यार आज विंच वाली 700 हम लेके भी नहीं आए हैं, और इसका विंच जो है वो ऑपरेशनल तो है लेकिन उसका रिमोट नहीं है। तो ये केडसर और ओजी थार हमारी दोनों फंस गई हैं काफ़ी बुरी डीप स्लश में। तो यार जहाँ ये गाड़ियाँ अटकी हैं दलदल देखो कितना गहरा है उधर। मोनिश आ जा नीचे, आ जा आ जा आ जा। तब शोएब भाई ट्राई कर रहे हैं लो में इसको निकालने का। तो यार ये थी सेल्फ रिकवरी जो शोएब भाई ने करके दिखाई है, गाड़ी को खुद को रिकवर करके दिखाया है। तो अब शोएब भाई आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे, और अब हम इसको ट्राई करेंगे सेल्फ रिकवरी करने का, अगर की जा सके तो ठीक है। बोल रहा विंच का जुगाड़ कर रहे, देख लो उसको कमेंट्री देखो उसकी। तो इधर आसी तेरे को पता लग सी। ये सारा क्रेडिट जाता है इन भाई को आज, और जेड़ा भाई को भी क्रेडिट जाता है, पर गलत वे के जेड़ा भाई बोलते हैं कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया मेरा। कहते बड़ी वाली थार देख के इंडिया का जो है ना जुगाड़ बेस्ट है, बेस्ट वो है। तो हमारे साथ साथ जो जो आया उसको हम पूरा एक्सपीरियंस कराने की कोशिश कराते हैं। आया क्या मतलब, पहली बार आया मैं? नहीं तो आप रिकवरी तो पहली बार कर रहे हो ना। हाँ तो पहली बार आपको सीख रहे हो। बस 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 रेस दो रिवर्स में। तो देखो विंच के साथ कितना इजी है ये, एकदम से जैसे ही विंच कनेक्ट की गाड़ी लिफ्ट होना स्टार्ट हो गई, और सर की अंडर बॉडी थोड़ी सी डैमेज हो गई है। और देखो कितना गहरा गड्ढा है। उस साइड काटो, उस साइड, उस साइड। सोलो ऑफ रोड पे जाता था, जाता था मतलब लिख दिया अब नहीं जाऊंगा। यहाँ से लग गया हमारा रेल।
हमारा कॉन्वॉय पीछे रह गया तो इनको भी साथ रखेंगे। आज ध्रुव भाई ने भी दबा के रखी हुई है ना, ये देख रहे हो, देख रहे हो गाइस। यार बिल्कुल सीधा पहाड़ था यार ये जो चढ़ के आए हुए, यार कम्प्लीटली स्टॉक कार लेके आ रहे हैं। देखो कितना कैपेबल प्रोडक्ट है यार। तो गाइस अभी जा रहे हैं हमारे श्रीनगर वाले भाई वापस। ओके सो नाइस, गाइस अभी हम आ गए हैं आगे थोड़ा अकेले अकेले और अभी हम वेट करते हैं सबका। भाई अभी ऑफ रोड लोकेशन पे हूँ, आपको पता मेरी फेवरेट लोकेशन है, तो मतलब आई कैन से कि गुलाब भाई दिल से थैंक यू, आपने इतनी अपनी प्यारी गाड़ी हमें दी है और हमारा ऑन द अदर हैंड हम भी इसका पूरा ध्यान रखेंगे और इसका बहुत नाम रोशन करेंगे, तो थैंक यू गुलाब भाई। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता तो गुलाब भाई की इंस्टाग्राम आई डी आ रही होगी नीचे फ्लैश कर रही होगी, तो सारे जाके उनको भी फॉलो कर लो। तो भाई जेडा सर जो है ना वो बड़े हैवी ड्राइवर बन गए आजकल, जो कई मतलब हमारे से कोई 5-6 सेकंड पीछे ही होते हैं। जेडा सर ने हमारे ग्रुप का नाम रोशन किया। ये जेडा सर कोई अपना ही रास्ता बना रहे हैं। खुद जेडा सर कौन सी पहाड़ी पे जा रहे हैं ये? हमारे ग्रुप में कोई सबसे ज्यादा एक्सपर्ट नया ड्राइवर है तो वो जेडा सर है। और देखो स्टॉक टायर, फोर व्हील ड्राइव लो, कितनी ज्यादा स्टीप क्लाइंब है। जेडा सर सलाम है मेरी तरफ से, जो कोई ऑब्स्टेकल अटेम्प्ट नहीं करता जेडा सर वहां पहुंच जाते हैं। फोर्ड ब्रोंको रास्ता तो यहाँ पे था बट पता नहीं जेड़ा सर उधर क्या करने गए और आगे ये
आओ आओ पुरानी थार की ना रेयर की आर्टिकुलेशन का कोई मुकाबला नहीं है। और यहाँ पे हमारी मैडम की चिकंडी की चप्पल भी है। चिकंडी मैडम से दूर रहे, ये पत्थरों वाला ट्रैक है, बट चिकंडी मैडम जो है वो रात को घूमती है यहाँ पे। तो आगे बहुत ही ज्यादा बड़ा पत्थर और अब सॉलिड एक्सल की आर्टिकुलेशन भी चेक हो जाएगी इसी बहाने। और बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है यार सॉलिड की, बहुत ज्यादा अच्छी। जाएगी जाएगी, पावर दो। जाएगी दो पावर। बैठ गई सर, अब तो आ जाओ भाई। अभी फिलहाल फ्रेंड से विंच करने की ट्राई करेंगे, बट प्रॉब्लम